नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। राजस्व प्राप्ति को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की समीक्षा, अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। वहीं लक्ष्य का 66% हासिल होने पर जताया संतोष। कांग्रेस का डोनेट फॉर देश अभियान, 200 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की पहुंची योगदान राशि। कांग्रेस का दावा, प्रदेश के 11,000 बूथों में से हर बूथ पर 5 कार्यकर्ता देंगे दान। अंकिता भंडारी हत्याकांड में जेसीबी ऑपरेटर ने खोले राज। 23 सितंबर 2022 की रात को वनंतरा रिजॉर्ट में हुई तोड़फोड़। अब एक बार फिर संदेह के घेरे में विधायक रेणु बिष्ट की भूमिका। रुड़की में दिखा तेज रफ्तार का कहर, खनन से भरे डंपर ने बाइक सवार को कुचला, युवक की मौके पर ही मौत। और कोरोना के नए वेरिएंट ने बढ़ाई उत्तराखंड में टेंशन, दून अस्पताल के डीएमएस ने जारी की एडवाइस। हालांकि प्रदेश में नए वेरिएंट का अभी तक कोई केस नहीं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के 66% लक्ष्य को पूरा करने पर बता दें कि गहनता से समीक्षा की। सचिवालय में वित्तीय वर्ष की राजस्व प्राप्ति और आय के संसाधनों में वृद्धि के संबंध में वित्त मंत्री सहित शासन के उच्च अधिकारियों के साथ गहनता से समीक्षा की। राज्य के राजस्व प्राप्ति के कुल लक्ष्य 24,745 करोड़ के सापेक्ष 16,436 करोड़, जो लक्ष्य का 66% है, की स्थिति पर मुख्यमंत्री ने संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि अब शेष 34% के राजस्व प्राप्ति के लक्ष्य को फरवरी तक पूर्ण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं। उन्होंने कहा, अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण के साथ इस क्षेत्र में आय के संसाधनों में वृद्धि के लिए और अधिक प्रयास किए जाएं। वहीं परिवहन विभाग, यातायात पुलिस, वन और खनन को एकीकृत तंत्र विकसित किए जाने के साथ राज्य कर विभाग की खुफिया प्रणाली को और मजबूत किए जाने के निर्देश दिए। दिसंबर 2023 को भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस मनाया जाता है, लेकिन इस साल उनका जन्मदिन सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसको लेकर यहां के भाजपा कार्यकर्ताओं ने अभी से ही अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर इस बार बाजपुर रोड स्थित रामपुरम में अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से एक पार्क का निर्माण किया जाएगा और इसके साथ ही पार्क में अटल बिहारी वाजपेयी की 6.5 फुट की प्रतिमा का अनावरण उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। इसके साथ ही इस कार्यक्रम में प्रदेश के शीर्ष नेता भी प्रतिभाग करेंगे। अपने भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस हर वर्ष मनाते हैं और हम इसे सुशासन दिवस के रूप में मना रहे हैं इस वर्ष, तो इसमें जो है वो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर एक पार्क हमने बनाया है रामपुरम कॉलोनी में, और उसमें उनकी 6.5 फुट की प्रतिमा हम लोगों ने लगाई है और उसका अनावरण का कार्यक्रम मुख्यमंत्री जी द्वारा और अपने अजय भट्ट जी आ रहे हैं और अपने जो प्रभारी मंत्री गणेश जोशी जी और हमारे जो महामंत्री संगठन है अजय जी, इन सबके सानिध्य में ये कार्यक्रम होने जा रहा है और इसमें लगभग 2 से 2.5 हजार लोगों के आने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले ऑनलाइन चंदा इकट्ठा करने के लिए डोनेट फॉर देश नाम से एक अभियान चला रही है। देश की मुख्य विपक्षी पार्टी 28 दिसंबर को अपने 138वें स्थापना दिवस से पहले इस अभियान के माध्यम से लोगों से 138 रुपए, 1,380 रुपए और 13,800 रुपए या फिर इसे 10 गुना राशि चंदे के रूप में देने की अपील कर रही है। उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी का कहना है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर कार्यकर्ताओं ने अपना योगदान दिया है और तकरीबन 200 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की योगदान राशि पहुंच चुकी है। वहीं उम्मीद की जा रही है कि स्थापना दिवस से पहले 1,000 कार्यकर्ता अपना योगदान देंगे। वन पर देश के लिए दान कार्यक्रम के तहत पार्टी को मजबूत करने के लिए हमारे अधिकांश कार्यकर्ताओं ने
योगदान अपना दिया है, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। लगभग लगभग अभी तक हमारे पास 200 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं का योगदान राशि पहुंच चुकी है, उनके सर्टिफिकेट जो है वो हमारे पर पहुंच चुके हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि हम 1000 से भी ज़्यादा हमारे कार्यकर्ता यहाँ के जो सीनियर कार्यकर्ता हैं, और हर बूथ से 138 रुपये के हिसाब से 11000 बूथों पर हम 5-5 कार्यकर्ता हमारे योगदान देंगे। देश में एक बार फिर से कोरोना का नया वेरिएंट देखने को मिल रहा है, जिसका नाम JN.1 कोविड वायरस है, जिसको लेकर दून अस्पताल के DMS डॉक्टर धनंजय डोभाल ने एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों को एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने, एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाने, भीड़भाड़ वाले इलाकों से दूर रहने की सलाह दी है। इसके साथ ही किसी को सांस और अन्य प्रकार की बीमारी होने पर डॉक्टर से सलाह लेकर अपना इलाज समय से करवाने की बात कही। DMS ने कहा कि कोविड वेरियंट को लेकर उत्तराखंड में अभी ऐसे कोई भी केस सामने नहीं आए, और यदि विषय में कोई ऐसी स्थिति सामने आती है तो उसके लिए दून अस्पताल में 9 ICU और 20 ऑक्सीजन वाले बेड आरक्षित किए गए हैं। एडवाइजरी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आई है और उसके बाद हमारे माननीय स्वास्थ्य सचिव श्री राजेश कुमार जी के द्वारा आई है कि सारी सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ न मिलाना, एक दूसरे से थोड़ा भीड़भाड़ इलाकों से दूर रहना, इसका वो अनुपालन करें, और अगर उनको कोई अगर सांस की संबंधित कोई भी परेशानी होती है तो ओवर द काउंटर मेडिकेशन न लें, जो भी डॉक्टर हैं उनसे संपर्क करें, और आगे जरूरत है फर्दर जाँचों की नहीं उसके बाद देखें। पिथौरागढ़ उच्च हिमालय क्षेत्र और आपदा की दृष्टि से मुनस्यारी और धारचूला क्षेत्र में हेलीपैड बनाए जाने थे। मुनस्यारी को हेलीपैड बनाने के लिए 42 लाख अभियुक्त हुए थे। कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग द्वारा मुनस्यारी हेलीपैड का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। शनिवार को जिलाधिकारी रीना जोशी ने उप जिलाधिकारी धारचूला मुनस्यारी मंजीत सिंह और अधिशाषी अभियंता लोक निर्माण विभाग को 3 दिन के भीतर हेलीपैड को हैंडओवर टेक ओवर करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी वंदना सिंह ने हल्द्वानी नगर निगम के प्रशासक का कार्यभार संभालने के बाद पहली बार नगर निगम के अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान नगर निगम के राजस्व और साफ सफाई की व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों को व्यापक रूप से निर्देश दिए। इसके साथ ही प्रत्येक वार्ड की प्रोफाइलिंग करने के निर्देश दिए, ताकि प्रत्येक वार्ड की सरकारी संपत्तियों, साफ सफाई के साथ ही नालियों की व्यवस्था को दुरुस्त किया जा सके। जिलाधिकारी ने कहा कि शहरवासियों को बेहतर व्यवस्था देने के लिए नगर निगम द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। खबर देहरादून से है, जहां कुछ समय पहले व्यापक स्तर पर जिला प्रशासन की ओर से अभियान चलाकर शराब की ओवर रेटिंग को रोका गया था। हालांकि एक बार फिर से शराब के ठेकों में ओवर रेटिंग कर सरकार और आमजन मानस को चूना लगाने का काम किया जा रहा है, जिस बात पर जिलाधिकारी सोनिका ने बताया कि ओवर रेटिंग को लेकर सभी ठेकों को रेट लिस्ट लगाने के लिए निर्देशित किया है। वहीं समय समय पर चेकिंग अभियान चलाने के लिए SDM को भी निर्देशित किया गया है। अगर ओवर रेटिंग से संबंधित कोई मामला आता है तो उसका संज्ञान लेकर कार्यवाही की जाएगी। हमारी तरफ से क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि बोर्ड्स जो रेट लिस्ट है वो दुकान पे लगाई जाए और इसकी मॉनिटरिंग भी की जाए, और पहले भी SDMs को बोला गया था कि अपने लेवल पे भी क्रॉस चेक इसको करवा लें अपनी टीम के द्वारा, और आगे भी हम ये कार्रवाई करवाएं। प्रदेश को झकझोर कर देने वाले अंकिता भंडारी हत्याकांड में रोज रोज नए खुलासे हो रहे हैं। पौड़ी की यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र में 23 सितंबर 2022 की रात JCB से वनंतरा रिजॉर्ट तोड़ने वाले JCB ऑपरेटर ने 22 दिसंबर को कोटद्वार कोर्ट में अहम गवाही दी। दरअसल कोर्ट में पेशी के दौरान JCB चालक ने खुलासा किया कि उस रात रिजॉर्ट को 2 बार तोड़वाया गया था। पहले तत्कालीन SDM और पुलिस कर्मियों की देखरेख में रिजॉर्ट की बाहरी दीवार तोड़ी गई थी, और उसके बाद देर रात 1 बजे विधायक ने दोबारा बुलाकर शटर और जंगला तोड़ने को कहा था। इस केस में शुरुआत से ही सबूतों को मिटाने के आरोप स्थानीय विधायक पर लगते रहे हैं, लेकिन वो इससे इनकार करती रही हैं। अब एक बार फिर से विधायक रेणु बिष्ट की भूमिका संदेह के घेरे में है। जैसे ही ये इंसिडेंट सामने आया, आर्य परिवार को हम लोगों ने तुरंत पार्टी से बहिष्कार किया, उनको बर्खास्त कर दिया। और दूसरी बात, जब अंकिता भंडारी के माता पिताजी ने वकील बदलने की बात करी तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी ने उसका संज्ञान लेते हुए उनको दूसरा वकील उपलब्ध करवाया। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। अभी आपने देखा होगा कि पुलकित आर्य की जमानत याचिका भी खारिज हुई है। किसी भी प्रकार से सरकार उनको बचाने का या रोकने का प्रयास नहीं कर रही है।
भारी डंपर ने बाइक सवार युवक को कुचल दिया, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और सूचना पर क्षेत्रीय पुलिस और परिजन भी पहुंच गए। वहीं ग्रामीणों ने घटनास्थल पर हंगामा किया तो मामले की गंभीरता को देखते हुए आसपास के थानों की पुलिस बुलाई गई। इसके साथ ही SP देहात और CO SDM भी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाया। पुत्र श्याम कुमार निवासी देवबंद की सड़क दुर्घटना में एक डंपर से मृत्यु होने के कारण उनके परिजन और अन्य गांववासी आक्रोशित थे, जिनको समझाया बुझाया गया है SDM साहब के द्वारा और हम सबके द्वारा, और अब आगे कानूनी प्रक्रिया के तहत पंचायतनामे और पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए सबको मोर्चरी भेजा गया है। मसूरी ग्रीन लाइफ और छावनी परिषद लंढोर के सहयोग से छावनी परिषद के 4 दुकान में 2 दिवसीय लंढोर मेले का आयोजन किया गया। पहले दिन बड़ी संख्या में पर्यटकों ने मेले में पहुंचकर उत्तराखंड के लजीज व्यंजनों के साथ ही पहाड़ी उत्पादों की जमकर खरीदारी की। इस दौरान मेले में पहाड़ी खाने के स्टॉल में पहाड़ी दाल के पकौड़े, पहाड़ी खाने की थाली सहित पहाड़ के उत्पाद आकर्षण का केंद्र रहे। ये 9th ईयर है इस मेले का। कई पिछले 8 सालों से हम लोग यहाँ के लोकल किसान, लोकल ट्रेडर्स, जो बाज़ार की लेडीज़ हैं जो अपना घर में काम करती हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए एक छोटा सा इवेंट हम लोग ऑर्गेनाइज़ करते हैं। उम्मीद नहीं थी कि इतने साल हो जाएंगे। शुरू में 8-9 स्टॉल होते थे हमारे, छोटे से एक लेन में लगाते थे। अब धीरे धीरे थोड़ा सा बढ़ गया है तो करीब 30-31 स्टॉल हमारे लगते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के आर्टिस्ट उत्तराखंड के यहाँ आते हैं, देहरादून से, मसूरी से, धनौल्टी से, मसराना से, जितने हमारे कांटेक्ट में हमारे यहाँ लोग काम करते हैं, आस पड़ोस के गार्ड हैं, इनके घरों में, इनके गांव में अगर कोई काम कर रहा होता है तो उनको सपोर्ट करने के लिए उनको एक प्लेटफॉर्म हम यहाँ पर ऐसा क्रिएट करते हैं। यहाँ कुछ अच्छे बड़े ब्रांड्स भी आते हैं। यहाँ लैंडोर मेला लग रहा है, ये इस बार 9th एडिशन है लैंडोर मेला का, और हर साल जैसे मैं देख रही हूँ इसमें जो दुकानें लगती हैं वो हर साल बढ़ती जा रही हैं, और ये एक बहुत अच्छा मौका है और अवसर है लोकल जो यहाँ पर आर्ट है उसको शोकेस करने का। खबर जोशीमठ से है। ग्राम सभा बड़गांव के राजकीय इंटर कॉलेज में पिछले 16 सालों से कार्यरत तिलोत्तमा भंडारी और उनके साथ कुलदीप सिंह सैलानी का स्थानांतरण हो गया है। इस मौके पर ग्राम सभा बड़ागांव के राजकीय इंटर कॉलेज में दोनों अध्यापक और अध्यापिका का विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान विद्यालय के छोटे नन्हे मुन्हे बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए गए। वहीं विदाई समारोह के दौरान माहौल भावुक हो गया। नवंबर 2007 को इस विद्यालय बड़ागांव में आई थी, और मैं इसमें 2023 में मेरी से स्थानांतरण राजकीय इंटर कॉलेज गैलरी हुआ है, और मैं आज विदाई के लिए मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी लंबे अनुभव के बाद मैंने इस विद्यालय में बहुत कुछ सीखा है। बहुत ही अच्छा और अच्छे यहाँ स्टाफ है, यहाँ के बच्चे भी बहुत अच्छा है। अध्यापन कार्य के लिए मुझे मिला, यही मेरा मुझे नियुक्ति तो अच्छा ही लगा, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि वातावरण का थोड़ा प्रभाव है। आज हमारे स्कूल में श्रीमती तिलोत्तमा भंडारी और श्री कुलदीप सैलानी सर का विदाई हो रहा है, इसी कार्यक्रम मना रहे हैं, और हमें यहाँ पर बहुत दुख हो रहा है कि हमारे सर और मैम की विदाई हो रही है। आज हमारी मैम भंडारी मैम की विदाई हो रही है और हमें बहुत दुख हो रहा है। हमारी मैम ने 17 साल की विद्यालय के लिए सेवा दी थी, और साथ ही साथ सैलानी सर की भी विदाई हो रही है। ये भी हमारे साथ 3 साल रहे थे और 3 साल मैं जीती हूँ, इन्होंने भी बहुत अच्छी पढ़ाई का हमें। आप सभी का स्वागत है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भू कानून और स्थायी निवास को लेकर 24 दिसंबर को कई सामाजिक संगठनों ने रैली करने का ऐलान किया है। कांग्रेस पार्टी ने भी इस रैली का समर्थन किया। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी भू कानून और स्थायी निवास को लेकर होने वाली रैली का समर्थन करती है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि 24 दिसंबर को मोदी है ना कार्यक्रम जानबूझकर किया जा रहा है। इस रैली के लोग बढ़ती लोकप्रियता और सोशल मीडिया पर बढ़ते ट्रेंड को देखते हुए इस रैली को डायल्यूट करने की कोशिश की जा रही है।
बहुत शर्मनाक है कि भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल और भारतीय युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी ने पिछले दिनों प्रेस वार्ता कर 24 दिसंबर को मोदी है ना अभियान की शुरुआत करने की बात कही है। कहीं ना कहीं ये जो रैली है भू कानून और मूल निवास को लेकर जो पूरे उत्तराखंडी आज एक साथ आ रहे हैं, लोकप्रियता इस रैली की बढ़ रही है, कहीं ना कहीं ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया पर, उसको डाइल्यूट करने का ये कुत्सित प्रयास दिखाई पड़ता है। और देखिए, मुझे भी आज सुबह ही ऐसा पता चला कि उस दिन कोई पदयात्रा आहूत की गई है। मुझे लगता है कि मूल निवास ये एक संवेदनशील मुद्दा है और अभी आपने देखा होगा दो दिन पहले एक जो विसंगति थी काफ़ी समय थे उसको दूर करने का काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है और उस विषय के प्रति वो बहुत गंभीर है। एक कमेटी का गठन इस विशेष विषय के लिए, भू कानून से अलग उठकर मूल निवास की इस विसंगति को दूर करने के लिए उन्होंने कहा है, तो मुझे लगता है कि जब सरकार इतनी गंभीरता से इसका प्रयास कर रही है तो ज़रूर जो भी ये आयोजन करें, जो भी राजनीतिक पार्टियाँ इस रैली का आयोजन कर रही है, उनको एक बार, माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ट्रांसपेरेंट और बहुत एक्सेसिबल तरीके से काम करते हैं, उनके समक्ष अपनी बात रखनी चाहिए और पूरी संवेदनशीलता से उस बात को सुना जाएगा। उत्तराखंड में सख्त भू कानून लागू करने और यहाँ के मूल निवासियों को मूल निवास पत्र निर्गत करने को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल ने अपने प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उत्तराखंड क्रांति दल के वरिष्ठ नेता काशी सिंह एरी ने कहा कि राज्य के बने हुए 23 साल हो गए हैं लेकिन अभी तक इस राज्य में सख्त भू कानून लागू नहीं हो पाया। इसके साथ ही यहाँ के मूल निवासियों को मूल निवास पत्र भी नहीं मिल पा रहा। इसको लेकर के पार्टी कल होने वाले आंदोलन में भी सक्रिय रूप से भाग लेगी। के राज्य बने हुए 23 साल पूरे हो गए लेकिन राज्य की जनता इस बात पर परेशान है, आक्रोशित है कि अभी तक यहाँ की जमीनों को बचाने के लिए, यहाँ के लोगों के अस्तित्व को बचाने के लिए, अस्मिता को बचाने के लिए अभी तक एक कायदे का सख्त भू कानून लागू नहीं हुआ है। दूसरा, यहाँ के लोगों को जो मूल निवासी यहाँ के हैं उनको मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता है, उनको भी डोमिसाइल यानी अस्थायी निवास प्रमाण पत्र से काम चलाना पड़ता है। ये दो मांगे हैं, मूल निवास प्रमाण पत्र और एक सख्त भू कानून बनाए जाने की मांग को लेकर आज पूरे उत्तराखंड की जनता आंदोलित है। खबर देहरादून से है जहां परेड ग्राउंड में नमो कबड्डी का आयोजन किया गया। इसमें प्रदेश भर के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। भाजपा किसान मोर्चा ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। वहीं आपको बता दें कि भाजपा के संगठन के जिलों के खिलाड़ी कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहे हैं और प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता का फाइनल खेला जा रहा है। पूरे भारत वर्ष के प्रत्येक राज्य के प्रत्येक जिले के प्रत्येक मंडल में आयोजन किया। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने देवभूमि उत्तराखंड के अपने संगठनात्मक 19 जिलों के 270 मंडल में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया और हमारे किसान मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष और मंडलों की टीम आज अपनी अपनी जिलों की विजेता टीम के साथ यहाँ पर आई है और आज स्टेट चैंपियनशिप में कौन चैंपियन बनेगा ये तो भगवान जाने, लेकिन मैं इन सभी आए हुए खिलाड़ियों का और अपने किसान मोर्चे के पदाधिकारियों का देहरादून महानगर में अपने शीर्ष नेतृत्व की ओर से और आप सब की ओर से इनका आभार और स्वागत अभिनंदन करता हूँ और अपने उदयमान नौजवान खिलाड़ियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। राजस्व प्राप्ति को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की समीक्षा, अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। वहीं लक्ष्य का 66% हासिल करने पर जताया संतोष। कांग्रेस का डोनेट फॉर देश अभियान, 200 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की पहुंची योगदान राशि। कांग्रेस का दावा, प्रदेश के 11,000 बूथों में से हर बूथ पर 5 कार्यकर्ता देंगे दान। अंकिता भंडारी हत्याकांड में जेसीबी ऑपरेटर ने खोले रास्ते। सितंबर 2022 की रात को वनंतरा रिजॉर्ट में हुई तोड़फोड़, अब एक बार फिर संदेह के घेरे में विधायक रेणु बिष्ट की भूमिका। तुर्की में दिखा तेज रफ्तार का कहर, खनन से भरे डंपर ने बाइक सवार को कुचला, युवक की मौके पर ही मौत। और कोरोना के नए वेरिएंट ने बढ़ाई उत्तराखंड में टेंशन, दून अस्पताल के डीएमएस ने जारी की एडवाइस। हालांकि प्रदेश में नए वेरिएंट का अभी तक कोई केस नहीं।
फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।